तो यीशु के खूबसूरत बरकत और जलाली नाम में तमाम सी टीवी देखने वालों की सलामती हो। डेली डिवोशन में मैं हूं आपके साथ इस वाक के महमूद और मेरी तरफ से आप सबको लैंड सीजन बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे रोज़े के बारे में, वो रोज़ा जो खुदा चाहता है और रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए, क्या इसका हमें 40 रोज़ों का जिक्र जो है वो किताब मुकदस में मिलता है। तो आइए मेरे साथ कलाम मुकदस मत्ती की इंजील उसका छठा बाप और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनो, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। रोज़ा जो है वो फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि खुद को ज़ियर देना, रुक जाना, अपने गुनाहों पर पशेमान होना और नफ्स कशी करना, गुनाहों से तोबा करना। आप इस बात को भी जानते हैं कि इब्रानी जुबान में जो रोज़े को सोम कहा जाता है और अंग्रेजी जुबान में इसको फास्ट कहा जाता है, और बाइबल मुकद्दस में हमें इसका जिक्र जो है वो 59 टाइम्स मिलता है, जिसमें जो है हमें किसी ख़ास मकसद के तहत रोज़ा रखा हुआ मिलता है। खुदा का फ़र्ज़, तर्स और रहम करम को हासिल करने के लिए रोज़ा रखा जाता है। हमें पुराने अहदनामे में मिलता है कि रोज़ा जो है जब भी रखा गया उसका कोई ख़ास मकसद है। हमें इसराइल कौम जब रोज़ा रखती थी तो उनका एक स्पेशल मकसद होता था, वो अपने गुनाहों पर पशेमान होते थे, तोबा करते थे। और फिर हमें अज़रा जो है अपनी कौम को रोज़ा रखने के लिए कहता है, फिर नेनवा के लोग और आस्तर का भी हमें जो है वो रोज़ा मिलता है। लेकिन इन सब का रोज़ा एक ख़ास मकसद के लिए है। नए अहदनामे में हमें जो है वो रोज़े की तालीम यीशु मसीह कुछ इस तरह से देते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनो। पुराने अहदनामे में जब रोज़ा रखा जाता हमें देखने में मिलता है कि वो लोग टाट ओढ़ते और राख पर बैठते, तोबा करते और अपने सरों पर और अपने मुंह पर राख डालते। वो इस बात का इजहार करते कि दुख का और गम का इजहार करते, और खुदा जो है सुनता उनकी और उनको जवाब देता और उनको रहाई देता या उन पर तर्स और रहम करता। यहाँ यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि जब तुम रोज़ा रखो, यहाँ ये नहीं फरमाया गया कि जब तुम 40 रोज़े रखो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें कहीं भी 40 रोज़ों का जिक्र नहीं मिलता। और जो यीशु मसीह ने जो जिनके 40 दिन रखा गया, लोग समझते हैं कि यीशु मसीह ने 40 रोज़े रखे, वो ना सिर्फ 40 रोज़े हैं बल्कि वो यीशु मसीह ने सिर्फ 40 दिन फाका किया। और बाइबल मुकद्दस हमें 40 रोज़ों के बारे में नहीं बताती। और जो यूहन्ना रसूलों के इमाल में जो रसूल रोज़े रखते थे उनका भी एक ख़ास मकसद होता था, वो भी कोई 40 रोज़े नहीं रखते थे, उनका एक खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए वो रोज़ा रखते। और इसी तरह यीशु मसीह जो है हमें 40 रोज़ों का हुक्म नहीं देते, और वो सिर्फ यही कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो। यहाँ पे जब कभी का मतलब है कि आप पूरे साल में किसी भी दिन जब भी आपका दिल चाहे आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन रोज़ा जो है वो बा मकसद होना चाहिए। यानी कि अपने आप को अगर आप दुख भी दे रहे हैं तो उसका कोई ख़ास मकसद होना चाहिए। और लिखा है कि तू रियाकारों की तरह, रियाकारी या दिखावा खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं और वो इसे नफरत करता है। हो सकता है कि जब लोग अपने सर पर राख और खाक डालते हैं अपने मुंह पर, तो बहुत सारे लोग उनको देखते होंगे और इस बात का इजहार करते होंगे कि ये तो बड़ा रोज़ेदार है, और उसको वहीं पे जो है लोग वाह-वाह करते हैं और उसको जो है वो अजर मिल जाता है। लेकिन खुदा जो है वो दिखावे को पसंद नहीं करता कि लोग आपको देखें, बल्कि वो इसको पसंद नहीं करता। हम यूहन्ना की माल की किताब में भी हम हनन्याह और सफीरा को देख सकते हैं कि उन्होंने देखा देखी क्या किया कि अपनी ज़मीन बेची और जो पैसे थे उनमें से कुछ रख भी छोड़ा और बाकी जो है वो अपने रसूलों को जाके दिया। तो पत्रस रसूल फरमाते हैं क्या तुमने इतनी क्यों ज़मीन बेची, और फिर उन्होंने झूठ भी बोल दिया कि हाँ
इतने ही कुबेची, और तभी जो है उन दोनों की, पहले उसके हस्बैंड की और फिर सफीरा की जो है मौत हमें मिलती है, जिक्र मिलता है। तो यीशु मसीह को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वो लिखता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डाल। यहाँ पे सर में तेल डालने का जिक्र है, यहाँ पे ये नहीं कि अपने सर पे तू या माथे पर राख लगा या तू अपने सर पर राख डाल। माथे पर राख लगाने का भी मतलब यही है कि अपने मुंह पर राख डालना या खाक डालना और फिर अपना मुंह धो, यानी कि जब मुंह धोया जाता है तो इंसान बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो उसके चेहरे से ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है, बल्कि उसका बाप जो पोशीदगी में है उसकी अंदरूनी हालत को देखे, उसके दुख को देखे, उसके गम को देखे, तो खुदा जो है वो आसमान पर सुनता और उसको जवाब देता है। वो पोशीदगी में देखता है कि हाँ मेरे इस बंदे ने रोज़ा रखा है और खुद को ये अजियत दे रहा है सिर्फ इसलिए कि खुदा की कुर्बत हासिल कर ली जाए या उसे इस गुनाहों से माफ़ी मिल जाए या फिर उसको जो है वो उसके गुनाह से आज़ाद हो जाए या मुश्किलात चल जाए। तो इन बातों के लिए रोज़ा जो है वो आप रख सकते हैं, लेकिन रोज़ा जो है वो बामकसद और बामायने होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये जो 40 रोज़े हैं हम इन्हीं को रखें, बल्कि जो है बाइबल मुक़दस हमें इनका जिक्र नहीं बताती और हम पूरे साल में किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। और हकीकी रोज़ा क्या है कि खुदा जो है वो अपने आपकी इनकसारी को चाहता है, वो चाहता है कि आप खाकसार हों, खुदा की मर्ज़ी के तालिब हों और अपनी खुशी को छोड़ें, अपनी जान को दुख देना और खाना पीना छोड़ना, आजिज फरोतन हलीम होना जो है वो इन बातों को खुदा पसंद करता है। खुदा आपको इस्लाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। थैंक यू।